जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो अभी अभी अपने बूथ से मतदान करके घर निकल रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं क्या रहा मुद्दा इस बार मतदान का। सांसद महोदय बताएं कि इस बार मतदान का मुद्दा क्या रहा। देखिए, मतदान का मुद्दा इस बार स्पष्ट है, लोगों का विकास और सम्मान, और इसके लिए लोग मतदान कर रहे हैं। लोगों को राष्ट्र की सुरक्षा भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए और विकास भी चाहिए, और इसी मुद्दा पर इस बार पूरे देश में भी चुनाव हो रहा है और महाराजगंज में भी चुनाव हो रहा है। महाराजगंज में लोगों को एक बड़ा विश्वास मैंने जगा है 5 सालों के अंदर कि मेरा प्रतिनिधि मेरी बात को सुनता है, उस पर अमल करता है। जब हम जाते हैं तो सम्मान देता है और सम्मान के साथ उससे समस्या के निदान के लिए प्रयास करता है, और जनप्रतिनिधि का मूल यही होता है। पहले लोग ऐसा नहीं करते थे, लोग वंचित रहते थे, लोगों को यह पता भी नहीं रहता था कि मेरे सांसद के पास जाने के लिए कौन कौन सी राहें हमें अपनानी पड़ेगी। लेकिन आज यहाँ उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम है, मैं सीधे सीधे आने जाने का कोई राह दूसरा नहीं है, सीधे आप आएँ तो अपने सांसद के पास पहुँच करके और अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को सही तरीका से और निर्भीक होकर के रखने का जो लोगों को यहाँ समय मिला है, हमें लगता है कि उसका निश्चित रूप से हमें उसका लाभ माने मिल रहा है चुनाव में। इस बार लड़ाई में किन के नाम से चुनौती मिल रही है? इस समय बसपा से भी साधु यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और परंपरागत प्रतिनिधि के रूप में प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मैं अभी तो 2-2.5 घंटे हुए हैं, अभी मैं किसी को चुनौती नहीं मान रहा हूँ। अभी आगे देखिए, 2-3 घंटे और बाद के कौन उस सेकंड में आएगा, सेकंड में आने वाला कौन होगा, मैं इसको अभी नहीं बता सकता हूँ। कल रात एक घटना हुई थी जिसमें सीधे सीधे आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि आप ही के लोगों के द्वारा ये घटना को कारित किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वह हमें लगता है कि निराधार है, ये सब कोई आधार नहीं है, क्योंकि जो हार रहा है ना, हारने वाला विभिन्न तरीका के कोई आरोप प्रत्यारोप के अलावा उसके पास कोई ऐसा बात भी नहीं है, इसलिए वो आरोप प्रत्यारोप का प्रयास कर रहा है। मैं इसको खारिज करता हूँ, और किस तरीका से उन लोगों ने खेल खेलने का काम मैंने प्रयास अगर है भी तो मैंने किया है, लोग ये पैसा बांटना ये करना, प्रत्याशी स्वयं पैसा बंटवा रहा हो और एक दूसरे को मोहरा बना रहा हो, हमें लगता है इससे घृणित बात क्या हो सकती है। पिछले बार जो आपकी जीत का आंकड़ा था काफ़ी छोटा आंकड़ा था जीत का, इस बार क्या कितना बड़ा आंकड़ा होगा आपकी जीत का? बहुत बड़ा अंतर होगा। इस पिछले लोगों को एक आशा और विश्वास दोनों नहीं था, हमको एक बहुत हल्का उम्मीदवार के रूप में लोग कहता था कि फूंक देने पर उड़िया जाएगा, लेकिन यह जनता का अंगद स्वरूप पाँव जब जमीन पर पकड़ा और मैं इस देव स्वरूप जनता का जब कंधा पकड़ा तो फूंकने वाला फूंका गया, उड़िया देने वाले उड़िया गया। ये थे महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो बता रहे थे इस बार लड़ाई बिल्कुल आसान है, कोई चुनौती नहीं है इनके बीच में। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल, बिहार तक।